आप सभी को जय धर्म में नमस्कार और ओला जी, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम कुड़ुख में हर रोज यूज होता है वो सब सीखेंगे, कुछ सेंटेंसेस। तो आप सभी को फिर से स्वागत है, वेलकम है मेरा इस छोटा सा वीडियो देखने के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओलागी। ओलागी का मतलब है प्रणाम। प्रणाम तो प्रणाम करना या प्रणाम कोराटू ओला जी कहते हैं। तो इसके साथ हम लोग बाबा, आयो, बाबा का मतलब है फादर, मादर, तो प्रणाम बाबा, प्रणाम माँ, माँ, प्रणाम देवता, देवता व माँ, तो ये है आपका ओलगी। ओलगी का मतलब है प्रणाम करना, प्रणाम करा। तो बाबा, बाबा को प्रणाम करने के लिए, माँ को प्रणाम करने के लिए, देवता प्रणाम करा, माँ प्रणाम करा। तो इंग्लिश की कोई इंग्लिश को अपना हेलो, हेलो बाबा, हेलो फादर, पापा, जो भी हम जो भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। बाबा, आयो, मादर, और उसके साथ भी दादा, ब्रदर, एल्डर ब्रदर, दे, एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, और भाटू, ब्रदर इन लॉ, दादा नासगो, सिस्टर इन लॉ। तो इसके साथ ओलागी के साथ हम लोग ओलागी नासगो, ओलागी दादा, ओलागी दई, ओलागी भट्टू ऐसे यूज कर सकता है। ये है डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस तो ओलागी के साथ और एक शब्द यूज होता है किसी को हैंडशेक करने के लिए। तो किसी को हैंडशेक करेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? ओलागी भी कहेंगे साथ में जय धर्म में। तो जय धर्म में जय धर्म में जाए घर में ऐसे भी कह सकेंगे। ये आसामीस में है, ये आसामीस में ये
हिंदी में लिखा हुआ है जायदाद में, तो किसी को कैंसिल करने के लिए, जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन धर्म में यूज करते हैं जय जीसु, और हिंदू में जय राम जी, क्या क्या यूज करते हैं वो सब छोड़ के कुड़ुख में ये यूज होता है जायदाद में। तो किसी उराव भाई को, उराव भाई या बहन या दादा या दीदी, बाबा या माँ, किसी को भेंट करने से ये शब्द यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि वो क्या है। तो जैसे कि वो क्रिश्चियन है, उसको इससे बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो अगर हिंदू को इससे बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए कुड़ुख में कॉमन वर्ड है, कॉमन शब्द दिया गया है, और वो है ये जय धर्म में। तो आज से आप लोग जान लीजिए, यही यूज करना है हम लोग कुड़ुख के बीच में। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे कि विश करना, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स जैसे कि दाव पायरी, गुड मॉर्निंग, दाव पायरी, गुड मॉर्निंग, दाव पायरी, दाव पायरी। तो इसको हिंदी में सुप्रभात, सुप्रभात भी कहते हैं हिंदी में, और आसामीस में आपका प्रभात। तो ये आप लोग देख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग आएंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पे, तो उसको लिखेंगे हम लोग दाव पुत बीरी, दाव पुत बीरी। या तो दावपुत, इसको गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग आयो बाबा, जो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम दूसरा भाषा में यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग आयो, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सुसंध्या, सुसंध्या, बा आसामीस में हुबो। तो ये सब गुड इवनिंग के लिए है, दावपुत वेरी। किसी को गुड इवनिंग विश करना है कुड़ुख को, तो आप लोग दावपुत वेरी बोल सकते हैं। उसके साथ दाव माखा है, गुड नाइट, गुड नाइट। दाव यहाँ पे खा के नीचे
डॉट दिया है, मतलब ये खा है, खा, दाव माखा, दाव माखा, दाव एक्स ए माखा, और तोरंग सिक्की में दाव दाव माखा। तो इसका अर्थ है आपको हिंदी में, शुभ शुभरात्रि, शुभरात्रि, या आसामीस में हुबो रात्रि। तो ये है आपका गुड नाइट। तो किसी को गुड नाइट विश करना है तो दाव माखा कहेंगे। और अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, आप, तुम कैसे हो, आसामिस में आपोनी केने आसे, तो इसको हम कुरुख में बोलेंगे नीम एकावे से एकावे से रा दाएं, नहीं एकावे से रा दाएं। काम से दाए। तो ये है हाउ आर यू। तो इसको तोड़ों सिक्की में लिखेंगे नीन एका एका से काबे से राय। तो ये है आपका तोरंग सिक्के में। तो ये देख लीजिए नीन एकाबे से राता है का मतलब है हाउ आर यू, ये एकाबे से राता है, ये सिर्फ मेल को पूछेंगे, लड़का को पूछेंगे तभी राय कहेंगे, और एक लड़की या फीमेल को पूछेंगे तो क्या कहेंगे, रा दिन। तो ये है फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। तो ये एक ही होगा नीन एकादशे रा दिन, नीन एकादशे रा दाय। तो रा दिन एकादशे रा दिन। तो यही फार होता है कुड़ुख में, आप कैसे हो, कैसे हो, या केने आसे। कुड़ुख में दो भागों में बांटा गया है रा दाय और रा दिन। तो ये है रा दिन। तो इसका उत्तर भी दो प्रकार का होगा, एक लड़के के लिए एक लड़का के लिए। कोड़े रादान।
ये है आपका मेल्स के लिए, बॉयज मेल्स के लिए। कोडेम कोडेम रादान, कोडेम रादान। और अभी लड़की के लिए, लड़की क्या बोलेगी? एन कोडेम एन कोडेम रा एन। तो ये है लड़का के लिए। और हिंदी में मैं अच्छा या अच्छी हूँ हिंदी में, तो ये अच्छा, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो ये लड़के के लिए यूज होता है या लड़का के लिए? ये मेल और फीमेल, तो यही होता है फर्क सिर्फ इसके लिए, रादान रायन। तो ये बॉयस यूज करेंगे और ये गर्ल्स, और ये दोनों के लिए बहुत। तो मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, और असमिस में मैं भले आसु, मैं भले आसु असमिस में, जैसे कि लिखेंगे भले, मैं भले आसु। तो ये है आपका हाउ आर यू का उत्तर। निंगहाई निंगहाई अंदर नामे, निंगहाई अंदर नामे, अंदर नामे। तोरंग सिक्की में लिखेंगे निंघाई, ये नहीं, निंघाई निंघाई अंदर नाम है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में तुम्हारा या आपका नाम क्या है? तुम्हारा या आपका नाम क्या है? निंगा इधर नाम है। तो ये है आपका नाम पूछने का सेंटेंस, निंघाई अंदर नामे, आपका नाम क्या है या आपका अपना नाम की। तो ये है आपका निंघाई अंदर नामे, व्हाट इज योर नेम इंग्लिश में, व्हाट इज योर नेम। तो देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद और नया सेंटेंस में आएंगे। व्हाट इज योर
नेम का ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर में आपका क्या बोलेंगे? इंगहाई नाम है, क्या नाम देंगे? इंगहाई नाम है। इंगहा नाम में क्या लिखेंगे? सोमरा। इंगहा नाम में सोमरा ताली। इंगहा नाम में सोमरा ताली। नाम है सोमरा ताली। तो लोग सिक्किम में लिखेंगे नाम है सोमरा ताली। तो ये हिंदी में लिखेंगे तो मेरा नाम सोमरा है, मेरा नाम सोमरा है। असमिस में मोर नाम सोमरा होय। माय नेम इज सोमरा। सो ये है व्हाट इज योर नेम का उत्तर। तो आप लोग देख लीजिए ठीक से और अपना दिमाग में भर लीजिए ताकि आप लोग किसी कुरुख को, कुरुख आदमी को दूसरे भाषा में नहीं पूछना है, अपना खुद का भाषा कुरुख भाषा में पूछना है ताकि वो भी चौक जाए आपका ये प्रश्न मन के। क्या है? वेयर इज योर हाउस और होम? वेयर इज योर हाउस, ये क्वेश्चन निंगहाई एड़पा एक्साम रई, निंगहाई एड़पा एक्साम रई। निंगहाई एक्शन रही, निंगहर पा एक्शन रही। तुम्हारा या आपका, आपका घर कहाँ है? তোমার বা আপনার ঘর কত আছে? তো এ হ্যাঁ, ওয়ার ইজ ইউর হাউস?
तो देख लीजिए और पढ़िए। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर में कैसे उत्तर देना है वो भी देख लीजिए। वेयर इज योर हाउस, इसका उत्तर है माई हाउस इज इन गुवाहाटी, एंगायरपा गुवाहाटी नु रही, एंगायरपा गुवाहाटी नु रही। तो तलोंग सिक्की में कैसे लिखेंगे? गुवाहाटी नु रई, एंगारपा गुवाहाटी नु रई। तो इसका इंग्लिश हिंदी में मेरा घर गुवाहाटी में है, या गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी में है। और असम इसमें मोर घर मोर घर गुवाहाटी गुवाहाटी असे। तो ये है आपका कुरुख में आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगले वीडियो में और सीखेंगे और कुछ सेंटेंस। जो भी इस चैनल के लिए नया है और जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को धन्यवाद देखने के लिए और सभी को ज्यादा